संविधान समिति के बचाव अध्यक्ष और विचार मंच पे सभी मान्यवर और मेरे भाइयों सभी को सलाम वालेकुम। हमारे गुरु नानक जी का एक दुआ है जी, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के संबंधे, एक नूर ते जब उपजा कौन भले कौन बंदे। ये गुरु नानक देव जी का आदेश है, अल्लाह ईश्वर भगवान ये सब एक ही है। हमने अपने 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 के मजहब के अनुसार उन्हें नाम दिया है। ये सब कुदरत के बंदे हैं, हमें कुदरत के बंदे मानकर ही उन्हें चलना चाहिए। किसी को कोई हक नहीं दिया है, ना संविधान ने दिया है, ना कुदरत ने दिया है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, सील पत्थर में जंत पाए ताकर जग आगे कर धरिया। कुदरत ने जो जीव जंतु कीड़े मकोड़े पैदा किए हैं उनका भी रिजक उन्होंने तय करके रखा है, जब भी उनको पैदा किया है। फिर किसको हक पहुंचता है कि हम कहाँ के नागरिक हैं, हम कहाँ के रहने वाले हैं और कौन हमारा अधिकार सिद्ध करेगा? ये किसी को हक नहीं दिया गया है। इसलिए मैं इस संविधान समिति बचाओ कमेटी को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमें हमारे हक के लिए लड़ना चाहिए, कभी किसी के शर्मिंदा या डर कर नहीं रहना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, सूरज सो पहचानिए जो लड़े दिन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे कभी न छटे खेत। हमारे गुरु गोविंद सिंह का आदेश है, सुरमा वही है जो अपने दीन और धर्म के लिए, अपने ईमान के लिए, अपने समाज के लिए कभी युद्ध से पीठ नहीं दिखाता। पुर्जा पुर्जा कट मरने तक, खुद के टुकड़े टुकड़े होने तक वो खुद का हक निभाता है। तो मेरे वीरो, ये वक्त आ गया है हमको समाज के लिए लड़ना है, न के पीछे हटना है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी कहते हैं, जो खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए ही सिर्फ खाते हैं उनका जीना व्यर्थ है। जब तक हमको समाज का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम समाज के लिए लड़ेंगे तो उनका जीना व्यर्थ है। क्योंकि ऐसे लोगों का जीना ही ऐसा है कि मरना तो हर एक को है ही, एक दिन हमको मरना ही है, लेकिन कुछ लोग अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने ईमान के लिए ऐसा कार्य कर जाते हैं जो मरने के बाद भी हजारों साल जीवित रहते हैं, उनके विचार चलते हैं, उनके पुतले बनते हैं। ये हमारे महापुरुषों की देन है। आज मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। हम देख रहे हैं देश में क्या अराजकता माची हुई है, ये हमारी गलती है। कुछ साल पहले हमने ऐसे ना इंसाफ लोगों को गद्दी पे बिठा दिया है और आज का ये दिन भोगना पड़ा है। और ऐसे गलत लोगों को हम ने चुन कर देते और नहीं, ये दिन हमको आज देखना पड़ता। सभी मेरे भाइयों से मैं विनती करना चाहता हूँ, आपके परभनी में या महाराष्ट्र में तो कुछ भी नहीं है, दिल्ली पंजाब हरियाणा में देखो रोड पर तलवार निकाल कर लोग खड़े हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कई लोगों के सिर कटने की नौबत आ गई है फिर भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं, तो हम क्यों पीछे हटे? आज हमारा ये अधिकार है, NRP का और CAA का ये हमारा अधिकार है, हम आखिरी दम तक नहीं छोड़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के अपने हक के लिए पूरा कुटुंब कुर्बान होगा, पूरा परिवार कुर्बान होगा। डॉक्टर बाबा साहब का जीवन हम देख रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब के चारों बच्चे इस समाज कार्य के लिए शहीद हो जाते हैं। आज हम देख रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब थे इसलिए हम मान सम्मान से इस समाज में जी रहे हैं, वरना ये समाज का कोई ठाव ठिकाना नहीं था, तो फिर हम हमारे हक के लिए क्यों लड़े? डॉक्टर बाबा साहब एक समाचार में कहते हैं, जिस समाज में हमारा जन्म हुआ है उस समाज के हक और अधिकार के लिए ही हमें लड़ना चाहिए, वरना हमारा जीवन असफल है। तो ऐसा मेरे भाइयों, मैं आपसे विनती करता हूं, श्रीमान वागोड़े साहब जी और मौलाना जी इनके नेतृत्व में हमें संघर्ष करना है। और कभी किसी कारण चाहे कितने भी मुसीबत आ जाए, चाहे कितने भी संकट आ जाए,
अभी 12,000 लोगों पे गुनेह दाखिल हुए, 12,000 के बजाय 50,000 लोगों पे भी अगर गुनेह दाखिल हो जाए तो हमें इन बातों से नहीं डरना है, हमें अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना है। इसलिए मैं फिर एक बार सभी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद, जय भीम।